हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक जो कि हम हर बंदे को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए कि सोने से पहले क्या करें जो हमारी लाइफ को प्रोडक्टिव बना दे, आपके डे को शानदार बना दे और आपके रूटीन को मतलब एक बेटर वे में फॉर्म कर पाए और जो आप डेली टास्क रहते हैं ना उनमें से 99% टास्क कंप्लीट कर पाओ और अपने पोटेंशियल को पूरी तरीके से एनहेंस कर पाओ और जो आप चाहते हो उसको अचीव करने के लिए ये चीजें जरूर करें आप आपकी लाइफ में। ठीक है, जो भी सोने से पहले ये काम करना, फर्स्ट की रिफ्लेक्ट ऑन योर डे। ठीक है, टेक अ फ्यू मिनट टू रिफ्लेक्ट ऑन द इवेंट्स ऑफ द डे। ठीक है, समझो आज आज आपके देखो आज रात हो चुकी है। ठीक है, अब आपके पूरे दिन में क्या क्या हुआ है एक बार दिमाग में 2 4 5 मिनट सोचने के दिए, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। ठीक है, क्या आपने सीखा, क्या नया सीखा, क्या गलती हुई, किस चीज से शर्मिंदा हुए, क्या आप और सुधार सकते हो अपने आप को। ठीक है, अब अपने एरियाज को समझना है कि आप क्या इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, दिस रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कैन हेल्प यू गेन इनसाइट्स एंड सेट गोल्स फॉर द फ्यूचर। ठीक है, आपके जो भी गोल्स होने वाले हैं ना उनको सेट करने के लिए ये इनसाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप कोई भी स्टार्टअप हो या फिर कुछ भी धंधा करते हो आप, चाहे आप स्टूडेंट हो, अगर आपको पता चले कि आपने क्या गलती की थी और क्या सुधार सकते हो तो आप आराम से आपके जीवन में आगे बढ़ सकते हो। अगर आप सोचो आप बैठे रहो, अगर आप कुछ ना करो, आप आए सो गए, तो भाई सब कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सेकेंड इज मोर इम्पोर्टेंट, मैं भी करता हूँ और मैं इसको पिछले 5 साल से करते आ रहा हूँ और मैंने मेरे जीवन में बहुत बदलाव देखे हैं। एक गांव से लेके हाफ इंडिया का सफर कर चुका हूँ, मतलब बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, बहुत सारे पैसे भी कमाए, सब कुछ सीखा। तो उसमें एक मेरी लाइफ में बहुत बड़ी रही कि डायरी राइटिंग की बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, राइट डाउन अ फ्यू थिंग यू आर ग्रेटफुल फॉर, सबसे इम्पोर्टेंट कि आप जीवन में किसके लिए ग्रेटफुल हो, उसके लिए थैंकफुल रहो, किस चीज के लिए आप आपकी लाइफ में थैंकफुल हो उसके लिखो आपकी डायरी में। फोकस ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, आज आपकी लाइफ में जो हुआ उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पे भी फोकस करो कि आपने इस चीज से ये सीखा, और कुछ गलत भी हुआ ना आगे ऐसा मेरे साथ ना हो, अभी मैं सीख गया, अगर कहीं पे भी किसी तरीके से नुकसान हो गया ये 5,000 के नुकसान मैं क्या सीखा हूँ। ठीक है, अगर कहीं पे भी कुछ लो हो रहा है ना तो प्रॉपर वे में रहो। ठीक है, स्लीप बिफोर स्लीप कैन प्रमोट अ ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट। ठीक है, आप जैसे ही डायरी राइटिंग करते हो ना आपके जीवन में क्या हुआ, ठीक है आप लिख रहे हो आपके कल के टारगेट्स क्या है, आपके प्रायोरिटीज क्या है, तो वो सारी चीजें आप करते हो ना तो आपके अंदर से एक आग आती है, आपके अंदर से एक फायर आती है, आपके अंदर से एक वाइब आती है, आप उसको करने के लिए आपके जो भी गोल्स हैं ना उनको अचीव करने के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी आपके साइड अंदर से आती है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप डायरी राइटिंग करते हो, तो वो निकल के आती है। ठीक है, थर्ड सेट टुमारो प्रायोरिटीज। ठीक है, आज तो हमारा निकल गया, अब कल की क्या क्या प्रायोरिटीज है, जैसे कि क्लाइंट लाना, बिजनेस लाना, सेल्स लाना, ऑफिस जाना, ठीक है ऑफिस के साथ साथ घर के भी कुछ काम करने होंगे, तो वो क्लियर रखो अपने आप को, क्योंकि जो चीजों आप क्लियर नहीं रखोगे ना वो धीरे धीरे आप क्या कर रहता है कि वो छोटी सी गलती, आप छोटी सी जो सबसे इंपोर्टेंट वर्क रहता है ना वो अगर आप छोड़ देते हो ना तो वो आगे पीछे होकर बाकी चीजों को डमाडोल कर देता है। अगर आप अननेसेसरी चीजें आपके पूरे दिन में करोगे ना तो भाई साहब आप आपके जीवन में कभी बदलाव नहीं आएगा। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या करनी है कि कल की प्रायोरिटी, सब कल सबसे इम्पोर्टेंट टास्क क्या है वो प्रॉपर वे में लगो। आपके 10 टास्क हैं, आपके 5 टास्क हैं, तो लिखो कि पहले सबसे इम्पोर्टेंट टास्क क्या है, सेकेंड इम्पोर्टेंट टास्क क्या है, थर्ड इम्पोर्टेंट टास्क क्या है, फोर्थ इम्पोर्टेंट टास्क क्या है, फिफ्थ इम्पोर्टेंट टास्क क्या है, उसके रिगार्डिंग उस तरीके से आप अपने टास्क को सेट करना चालू करो। मेक अ टू डू लिस्ट और प्रायोरिटाइज टास्क फॉर द नेक्स्ट डे। एक पॉकेट डायरी भी रखो, देखो आप एक जर्नलिंग करने के लिए एक लॉन्ग टर्म डायरी रख रहे हो, ठीक है उसको विक्ट्री डायरी हम नाम दे देते हैं। ठीक है, आप पॉकेट डायरी भी रखना चालू करो जिसमें कि आपके पूरे दिन में आपको क्या करना है वो सारी चीजें रहेंगी और वो आपको अंदर से मोटिवेट करेंगे आप आपके गोल्स को अचीव करो। ठीक है, अब आगे आते हैं हमारी, ठीक है फोर्थ, रीड और लर्न। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट कि अब देखो स्पेंड सम टाइम रीडिंग अ बुक और एंगेजिंग विद लर्निंग एक्टिविटीज। आजकल हमारा दिमाग मतलब क्या हो गया है कि आजकल पूरा दिन लोग रील देख रहे हैं, बेरोजगार और रील देख रहे हैं और लगातार रील देख रहे हैं, और रील देखने से कुछ नहीं होगा मैं आपको बोलता हूँ। अगर आप 15 मिनट 20 मिनट आप उसी समय पे या कोई वीडियो देख लो
लर्निंग से रिलेटेड कुछ सीखो, ठीक है, आपकी फील्ड से रिलेटेड सीखो, मैं आपसे ये नहीं बोला कुछ भी सीखो, आपकी फील्ड से रिलेटेड जिसका जो काम आप करते हो ना, ठीक है, वो सीखो, ठीक है। तो उससे क्या रहेगा कि बहुत अच्छा फील होगा। अगर आपको चेस से रिलेटेड नॉलेज, अगर चेस खेलना पसंद लगता है, चेस से रिलेटेड वीडियो देखो, तो सीखो, कुछ ना कुछ नया सीखोगे ना, तो आपकी लाइफ में एक बेटर डेली इंप्रूवमेंट आएगा, वो इंप्रूवमेंट आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। फिर माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, ठीक है, ये लास्ट 1 घंटे की बात कर रहा हूँ, सोने के 1 घंटे से पहले क्या क्या कर सकते हो, ये सारी चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है, और आगे बता रहा हूँ, ठीक है। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, काम योर माइंड, अपने दिमाग को शांत करो, किसी पे गुस्सा है, एंगर है, उदास हो, सैड हो, रोना आ रहा है, ये सारी चीजों को समझो, ठीक है। जो भी आपकी फीलिंग है, फीलिंग को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जिस दिन आपने फीलिंग को अपने ऊपर हावी होने दिया ना, उस दिन से आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी फीलिंग्स रहती है ना, हमको ड्राइव करती है, ठीक है। उनको अगर एक सही डायरेक्शन में आप यूज करोगे, आप आपके गोल्स के डायरेक्शन में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आप अपने गोल्स के डायरेक्शन में नहीं यूज करोगे ना, तो वो आपको मिसडायरेक्ट करेंगी, ठीक है। मतलब आपको एक ऐसे डायरेक्शन में ले जाएंगी जहाँ पे एक अच्छा एंड नहीं होता, पर आप बर्बाद हो गए। इस चीज को सीखो, ठीक है। सिर्फ सिर्फ लिमिटेड स्क्रीन टाइम, ठीक है, मोबाइल कम से कम यूज करना चालू करो। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं मोबाइल चलाता हूँ ना, ठीक है, ये मैं अभी तो मेरा फोन हो गया, ठीक है, चोरी हो गया, तो अभी मैं ये फोन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा लिमिटेड टाइम है 10 से 15 मिनट इंस्टाग्राम, 10 से 15 मिनट यूट्यूब, ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी फोकस होकर अपने ऊपर, अपने गोल्स पे टाइम देना, अपने दोस्तों से बात करना, अपनी फैमिली से बात करना, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके रियल लाइफ में चेंज लाती है। अगर आप मूवी देख रहे हो, एक के बाद एक मूवी देख रहे हो, लगातार मूवी देख रहे हो, तो भाई साहब आपकी जिंदगी जो है ना, जिंदगी में शांति, चैन, सुख, समृद्धि कभी नहीं आएगी। और सिर्फ आप एल्कोहल पीकर और लगे रील्स देखने, गाने सुने, गाने सुनो, लिमिटेड टाइम के लिए सुनो, बट आप अति करते हो ना, तो फिर चीजें बदलती हैं, ठीक है। हाइड्रेट रहो, हमेशा थोड़ा पानी का आप ध्यान रखो, हमेशा पानी पीते रहो, रात में भी रात सोने से पहले भी आप पानी पीजिए, तो प्रॉपर आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे, आप अगले दिन की भी तैयारी करनी है ना, जैसे मैंने आपको बोला अगले दिन की हमने प्रायोरिटी लिस्ट बना ली, टू डू लिस्ट बना ली, ठीक है। देखो आपको अब कल का क्या कपड़े पहनना, आपका बैग क्या पैक करना, क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज है, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें करके रख दो, ठीक है। इससे क्या आपका सकल का समय रहेगा ना, आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कौन से कपड़े पहनने, क्या करना है, ये सारी चीज क्लियर हो जाएंगे आपकी, ठीक है। नाइन्थ, रिलैक्सिंग एक्टिविटीज, एंगेज इन रिलैक्सिंग एक्टिविटीज सच एज टेकिंग अ बार्म बाथ, प्रैक्टिस जेंटली योगा और लिसनिंग टू कामिंग म्यूजिक। देखो जो आपको बेटर करे, जो आपको बेटर फील कराए ना, वो चीजें भी करना चालू करो। हम क्या करते हैं, दिन भर के स्ट्रेस में है, टेंशन में, एंजाइटी में, और क्या करते हैं, आके सो जाते हैं, और फिर हमारा अगला दिन कैसे शुरुआत होता है, अगला दिन हमको पता ही नहीं है कि हम क्या करने वाले, समझो इस बात को। तो वो सारी चीजें रिलैक्स होकर अगर आप सोओगे ना, वो सारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, एफर्मेशन, हमेशा एफर्मेशन को ट्राई करो। तो वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, डू दैट एफर्मेशन। देखो जैसे कि मेरा गोल पर्टिकुलर इस मंथ का है, ठीक है, जिसकी माय गोल फॉर मार्च 2024 इज टू अर्न 1 लाख रुपीज कैश कलेक्टेड थ्रू पर्टिकुलर प्रोग्राम, ठीक है। तो वो मेरा गोल है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपए मेरे को कमाने हैं मार्च में, तो ये मेरा गोल है। तो इस तरीके से आपका रहना चाहिए। तो उस वे में आपके गोल्स को आप राइट डाउन करोगे ना, जैसे सेल्स करना या पर्टिकुलर कोई भी चीज करना, ठीक है, जो आपके गोल्स हैं, गाड़ी लेना, घोड़ा लेना, जो भी लेना, ठीक है, तो वो आप प्रॉपर वे में अफर्मेशन लेके करोगे ना, आपके जितना शाम को आप अफर्मेशन यूज करते हो ना, उतना आपकी लाइफ बेटर होती है, ठीक है। लास्ट, लिमिट स्टिमुलेंट, अवॉइड कंज्यूमिंग स्टिमुलेंट लाइक कैफीन और निकोटीन क्लोज टू बेड टाइम, सिगरेट, धूमपान, सोते समय बंद करो, सोते समय चाय पीना, कॉफी पीना, सोते समय बंद करो, क्योंकि ये सारी चीज आपकी नींद को बहुत ज्यादा, आपको नींद नहीं आती और आपको नींद आने से रोकते हैं, पर आप रात भर सोचते रहते हो, सोने की कोशिश करते हो और सोते भी नहीं, ये सारे कारण रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, पर आप सोने से पहले ये चीजें करते हो ना, तो बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट यही बात बोलूंगा कि ये सारी चीज जो मैंने आपको बताई फॉलो कीजिए, पर आपका डे पोटेंशियली आप आपकी बेस्ट दे पाओगे और अपने आप को बेस्ट बना पाओगे और आपका डे प्रोडक्टिव रहेगा।
ठीक है दोस्तों, आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।